नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। बीजेपी ने मुझे ऑफर किया है कि आप उनकी पार्टी में आइए, वो आपको जेल जाने से बचा लेगी, अन्यथा आपको भी अरविंद केजरीवाल की तरह ही जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने, जो इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही है। आतिशी ने सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी उन्हें अपनी ओर करने की कोशिश कर रही है, अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए उनको लगातार ऑफर दिए जा रहे हैं, अन्यथा उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई करने की धमकियां भी लगातार दी जा रही है। आपको बता दें कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, तब से लगातार विपक्ष बीजेपी पर निशाना साध रहा है और किसी न किसी प्रकार से जनता के बीच बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा है और यही काम आतिशी ने भी किया है। अब आतिशी के इस दावे को लेकर बीजेपी का खून खोल गया है। बीजेपी ने अब सीधे तौर पर आतिशी को कहा है कि आप हमें सबूत दीजिए, अन्यथा हम आपके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करेंगे। अगर आप सबूत नहीं दे पाए तो अब आपको भी जेल जाना होगा। आतिशी के दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने कहा है कि अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मान को ठेस पहुंची है, जिसकी वजह से अब बीजेपी के कार्यकर्ता मानहानि का केस करने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है। दरअसल 2 अप्रैल को आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि उनके करीबी के जरिए बीजेपी ये प्रेशर डाल रही है कि वह उनकी पार्टी में शामिल हो जाए। बीजेपी द्वारा मानहानि का नोटिस भेजे जाने पर आतिशी का भी बयान सामने आया है। आतिशी ने कहा, उनका तो मकसद ही यही है कि किसी न किसी आरोप में आप नेताओं को जेल भेजा जाए। उन्होंने तो जवाब दे ही दिया है कि किसी तरह से हमें फंसाकर जेल भेजे। बीजेपी ऐसे ही ईडी, सीबीआई और मानहानि के पीछे छिपकर हमला कर रही है। मैंने तो कहा है कि जिसने मुझे अप्रोच किया वो मेरा ही करीबी है। आतिशी ने कहा था कि उन पर बीजेपी को ज्वाइन करने का प्रेशर बनाया गया, अगर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। आतिशी ने यह भी कहा था कि चुनाव से पहले आपके 4 नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। हालांकि आतिशी ने कहा था कि उन्हें एक करीबी के द्वारा बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया। आतिशी ने कहा था कि सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक और उन्हें यानी आतिशी को जेल में डालने की तैयारी चल रही है। बीजेपी में शामिल न होने पर आतिशी को गिरफ्तारी की धमकी दी जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टियां इन धमकियों से डरने वाली नहीं है। आतिशी ने कहा था कि प्रधानमंत्री और बीजेपी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी और उसके सभी नेताओं के वजूद को खत्म कर दिया जाए, लेकिन मैं बीजेपी को बता देना चाहती हूं कि हम केजरीवाल के सिपाही हैं, भगत सिंह के चेले हैं। जब तक आपके कार्यकर्ताओं में आखिरी सांस है, हम केजरीवाल के नेतृत्व में देश को बचाने का काम करते रहेंगे। आप सबको जेल में डाल दो, लेकिन लोग इस लड़ाई के लिए आगे आते रहेंगे। वहीं अब दिल्ली बीजेपी की तरफ से आतिशी मरलेना को मानहानि का नोटिस भेजा गया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रदेश भाजपा मीडिया विभाग की ओर से मंत्री आतिशी को डिफामेशन नोटिस भेजा गया है। आतिशी द्वारा तुरंत माफी न मांगने पर शीघ्र ही उन पर भाजपा एवं कार्यकर्ताओं की मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की मंत्री आतिशी मरलेना ने एक बार फिर परंपरागत रूप से वो झूठ बोले हैं जिसका नजारा सबके सामने है। हमने पहले ही कहा था कि आतिशी तुम्हारी आदत झूठी है, झूठ बोलना है और भाग जाना है, लेकिन हम तुम्हें इस बार भागने नहीं देंगे। हमने कहा था कि जो भी आपने बयान दिया है उसके लिए तुरंत माफी मांगे, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मंगलवार की शाम को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को मीडिया विभाग से मानहानि का नोटिस भेज दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मान को ठेस पहुंचाई है। आतिशी ने कहा कि हमारे एक नजदीकी के माध्यम से उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। मैं उनसे स्पष्ट रूप से पूछ रहा हूँ कि वो कौन है आपका नजदीकी, नाम बताइए, किसने संपर्क किया नाम बताइए, कैसे संपर्क किया, व्यक्तिगत मिलकर संपर्क किया या टेलीफोन पर किया। अगर आपके पास कोई भी सबूत है तो जमा करिए, नहीं तो अपना टेलीफोन जांच एजेंसी को दीजिए। वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा कि आप हर बार झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाकर भाग जाती है,
इसलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको भागने नहीं देगी। आप कुछ तो बताइए कि आपको किसने संपर्क किया। जब जब आम आदमी पार्टी का झूठ सामने आता है, ये लोग पूरे विषय को डाइवर्ट कर देते हैं और कहने लगते हैं कि हमें तो खरीदने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है। पीएम मोदी के नेतृत्व में रोज लोग अपनी निष्ठा से बीजेपी में शामिल होते हैं। पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद अभी भी बीजेपी में आए हैं। दिल्ली में शराब घोटाला हो या जल बोर्ड घोटाला, लगातार ये सब सामने आ रहे हैं। इसलिए अपनी खीज मिटाने के लिए ऐसे आरोप लगाना आम आदमी पार्टी का चरित्र बन चुका है। दरअसल अभी हाल ही में आतिशी ने कहा था कि उनके करीबी के द्वारा बीजेपी की तरफ से उन्हें अप्रोच किया गया है और कहा गया है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, वरना एक महीने के अंदर ईडी आपके घर पर रेड करेगी और गिरफ्तार कर ली जाएगी। बीजेपी का इरादा है कि आने वाले दो महीनों के अंदर सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।